में निर्माण कार्य चालू और रुकता गया। नतीजा ये निकला कि ये पार्क अभी भी अधूरा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती जिले के अमहट घाट पर। हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता ऐसे होते हुए ये सर्किट हाउस जाता है और सर्किट हाउस के जस्ट बगल उधर कमिश्नर साहब का आवास है और फिर डीएम और फिर बगल में एसपी, जितने भी वीवीआईपी अधिकारी हैं उनका आवास और वीवीआईपियों का आवागमन इसी रास्ते से होकर जाता है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि इसके बगल में ही लगभग 7 सालों से नगर पालिका द्वारा रुक रुक कर निर्माण कराया जा रहा है एक पार्क का। ये पार्क जो आप देख रहे हैं हमारे बगल में, ये पार्क जो है वो नगर पालिका द्वारा लगभग बताया जा रहा है कि 7 सालों से इसका निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो चुका। इसी के बीच में जो पार्क है, पार्क के बीचों बीच जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं, अभी कुछ महीनों पहले इस प्रतिमा का यहाँ जो है स्थापना किया गया है। और इस प्रतिमा के स्थापना में आप देख सकते हैं कि जो जिले के आला अधिकारी हैं या जो भी नेतागढ़ रहे हैं उनका बाकायदा नाम लिखा हुआ, और ये मूर्ति जो है वो स्थापना दिवस में ये इतने लोग यहाँ मौके पर थे। आपको बता दें कि इस मूर्ति में जो भ्रष्टाचार किया गया है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से, कि ये मूर्ति आहिस्ते आहिस्ते जैसे बरसात हो रही है वो धसती जा रही है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये धसती जा रही है। और जो इसका बगल में इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, इसका पूरा बाकायदा कैंपस जो इंटरलॉकिंग से बनाया गया है, चबूतरा जिसको बोलते हैं, ये या इस पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि जब यह मामला मीडिया में आता है तो जिले के अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। तो वहीं एटा में जर्जर छत गिरने से हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग दबे, तो हादसे में 3 की मौत, 3 घायल, पुलिस मौके पर मौजूद।